आम तो हम सभी का फेवरेट होता है, चाहे वो कच्चा वाला आम हो या फिर पका वाला आम। और इस आम से हम अचार बना सकते हैं, एक खट्टा वाला अचार बना सकते हैं और एक खट्टा मीठा वाला आम का अचार। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम का खट्टा मीठा वाला अचार, जिसे हम सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 केजी आम। आम बिल्कुल ताज़ा है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बगीचे से आम को तुड़वा कर लेके आई हूँ। 2 किलो आम को मैंने पहले पानी में भिगो कर रखा था 1-1.5 घंटे। उसके बाद मैंने उसे निकाल के एक साफ कपड़े के ऊपर रख दिया, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना सूख जाए। अब हम क्या करेंगे, सारे आम को छील लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आम है ना दरारे पड़ गए, जैसे ऊपर से आम हमने तोड़ा ना, उसके वजह से नीचे चोट लग गई है। तो हमें लंबे समय तक स्टोर करके रखना है ना आम को अचार बनाकर, तो ऐसे टूटा हुआ हिस्सों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे। और उसका दूसरा साइड जो थोड़ा ठीक ठाक था, उसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो ऐसे हमें सारे आम को ऐसे बारीक बारीक कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए, ये मेरी बेटी ना, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, ये बीच बीच में आ जाती है ऐसे कुछ बहाने से दिखाने के लिए, ये ऐसे ही करती है हमेशा। तो यहाँ पर मैंने सारे आम को कट कर लिए हैं। तो 2 किलो आम में से ये आप देख पा रहे हो, इतने सारे आम ना टूटे हुए थे, यानी कि फूटे हुए थे, तो उसे मैंने यूज़ नहीं करा है। तो सारे आम को मैंने कट कर लिया है। और क्या करेंगे, हम इस आम को 1-1.5 घंटे तक हम इसे धूप में रख देंगे, ताकि इसका जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा आम में वो सूख जाएगा। तो 1.5 घंटे बाद मैंने इसे छत से नीचे लाई। ये देखिए, ये आम थोड़ा सूख गया है। ये देखिए, ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है, बस इसका थोड़ा सा ना मॉइस्चर को हमें ख़त्म कर लेना है। तो चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को गरम कर लिया है। मैंने सरसों का तेल ऐड किया है इसमें, आप चाहो तो इसमें रिफाइंड तेल भी ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें सौंफ, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच काली वाली सरसों। इसे थोड़ा पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें आम डालेंगे और इसे भून लेंगे। आम को भुनने के लिए मैंने अभी हाई फ्लेम ही रखा है। इसे हम हाई फ्लेम में सिर्फ 2 मिनट तक ऐसे भुनेंगे। थोड़ा बहुत भून जाता है, यानी कि थोड़ा बहुत आम सिक जाता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे डेगी लाल मिर्च। इससे थोड़ा कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और थोड़ा बहुत तीखा भी लगेगा। तो इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैं तो यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छा होता है धागे वाला मिश्री, जो केमिकल फ्री होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी चीनी लिया था, जिसमें से मैंने 50 ग्राम चीनी बचा लिया है, यानी कि 950 ग्राम मैंने चीनी इसमें डाला है। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम लो फ्लेम में पकने के लिए रखेंगे। कम से कम हमें इसे टोटल 1/2 घंटे के लिए पकाना होता है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, बीच बीच में इसे हम चेक करेंगे और खोल के हम इसे चलाते रहेंगे, ताकि चीनी नीचे से चिपके ना और हमारा जो ये अचार है बिल्कुल अच्छे से बने। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया और इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और वापस हम ढक्कन लगा के इसे पकने के लिए रख देंगे। तो फिर मैंने इसे 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया है और फिर वापस से हम इसे चलाएंगे। अभी देख पा रहे हैं आप, चीनी जो है ना पिघलने लगा है, लेकिन टोटल पिघला नहीं है, अभी भी चीनी का दाना दिख रहा है हमें। तो वापस से हम इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के और पका लेंगे, जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो टोटल अभी मैंने 1/2 घंटे बाद इसका ढक्कन हटाया है। आप देख पा रहे हैं ये अच्छे से उबलने लगा है, और आम देखिए आप, आम के अंदर पूरा रस ना अच्छे से भर गया है, जिसकी वजह से ये आम के अचार ना बेहद टेस्टी लगती है। आप चाहो तो इसे मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए पका सकते हो, कम से कम 10 से 15 मिनट आपको लग जाएगा। लेकिन लो फ्लेम में आराम आराम से हम इसे पकाएंगे ना, बहुत बढ़िया तरीके से ये पक जाता है और सारे आम के अंदर ना रस भर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आम का अचार। तो यहाँ पर ये आम का अचार हमारा बनके तैयार हो गया है, और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये आम का अचार ना एकदम गाढ़ा हो जाएगा, देखिए इस तरीके का,
इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो आप ये आम के अचार कंटेनर में भर के आराम से साल तक इंजॉय कर सकते हैं। और आप ये वाला अचार ना चाहे प्लास्टिक के कंटेनर में भर के रखें या फिर ग्लास के कंटेनर में भर के रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस एक चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, कोई पानी वाला चम्मच इसमें बिल्कुल भी ना जा पाए। और अचार डालने से पहले आपको ये कंटेनर को धूप में अच्छे से सुखा लेना है। थोड़ी सी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे ना, हमारे अचार साल ही नहीं, 2 साल 3 साल तक आराम से चल जाएगा। लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग खा के इसे ख़त्म कर ही देते हैं। अगर आप रखना चाहो तो आराम से इसे 2-3 साल भी आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।